चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। अब सबसे बड़ा प्रमाण तब है जब 21 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों का के साथ एक इंसल्ट किया। उनको बोला कि अगर इस देश में कोई ऑपोजिशन जीत के आती है तो देखो कैसे जो मुसलमान है जो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं आपकी संपत्ति उनको दे दी जाएगी, जो एक सरासर झूठ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद लीडर्स और आम आदमी की जानिब से शदीद रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? राम मंदिर बन गया लेकिन मुल्क के वजीर आजम अब भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस वक्त अहम मसला रोजगार, महंगाई, एजुकेशन वगैरह है, इन पर मोदी जी बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम को इस तरह के बयान देना जेब नहीं देता। वजीर आजम के बयान पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के बारे में मोदी के नफरत अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी के कितने भाई बहन हैं। उन्होंने हैदराबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को 7 बहनें हैं, योगी आदित्यनाथ के भी 7 भाई बहन हैं, अमित शाह के भी 7 भाई बहन हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई बहन हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने इस मुल्क को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, चार मीनार दिया है। हमने इस मुल्क को शानदार तरीके से सजाया है। हम दरअंदाज नहीं बल्कि इस मुल्क के शहरी हैं। वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया, घुसपेटी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपेटी का, क्या हर मुसलमान घुसपेटी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपेटी है? अगर घुसपेटी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी क्या घुसपैठी थे? फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? ये सब रुकन पार्लियामेंट थे। अगर घुसपैठी थे तो फिर ये लोग हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट कैसे बने? फखरुद्दीन अली अहमद क्या ये भी घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन क्या ये भी घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, नजमा हिफ्तुल्ला क्या ये भी घुसपैठी थे? बीजेपी के सिकंदर बख्त क्या ये भी घुसपैठी थे? मुख्तार अब्बास नकवी क्या ये भी घुसपैठी है? क्या शाहनवाज हुसैन क्या ये भी घुसपैठी है? क्या जफर आलम क्या इनके स्पोक पर्सन क्या ये भी घुसपैठी है? 25 बरस से मैं एमएलए हूं, 6वीं मर्तबा जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं? क्या वजीर आजम को इस तरीके से बात करना क्या जेब देता है? आप बताओ कैसा जहन है, कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, ठलक कर दो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी हिजाब बैन, कभी वीर बैन, कभी दाढ़ी के नाम पर गोलियां, तो कभी टोपी के नाम पर जुल्म, कभी बुलडोजर।
अरे आज ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गैस की कीमत का है, पेट्रोल की कीमत का है, डीजल की कीमत का है, अनाज की कीमत का है, चावल की कीमत बढ़ रही है उसका है, दाल की कीमत बढ़ रही है उसका है, रुपये की कदर गिर रही है, डॉलर उठ रहा है, ये मसला है। लेकिन इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, इनको बेघर लोगों की फिक्र नहीं, महंगाई की फिक्र नहीं, बस है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अगर मुल्क को जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म आई साइट की जरूरत है, जिसके जरिए एक वजीर आदम इस मुल्क के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पारसी को एक ही नजर से देखे, सबको बराबर समझे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना समझे, किसी को घुसपैठी या किसी को इस मुल्क का मालिक ना समझे। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क ना मुसलमान की जागीर है ना हिंदू की जागीर है, ये मुल्क हम सबका है। और हम सबको आज इस बीजेपी को शिकस्त देकर मोदी के इख्तदार का खात्मा करना है। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, वो क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, चाय वाले को हमने 14 में जिसको चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, चाय वाले को एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है, जिसका घर बार ना ठिकाना है, एक तपस्वी को झूठ बोलने की जरूरत क्या है, अरे जिसे झोला उठाकर चले जाना है, कल की चिंता करें बाल बच्चे वाले, वो क्यों जो राम नाम का ही दीवाना है, वो बिग कंपनियों से इसने चंदा लिया, मंदिर में माथा टेकते टेकते। सबसे बड़ा प्रणाम तब है जब 21 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों का के साथ एक इंसल्ट किया, उनको बोला कि अगर इस देश में कोई ऑपोजिशन जीत के आती है तो देखो कैसे जो मुसलमान है जो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं आपकी संपत्ति उनको दे दी जाएगी, जो एक सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, जितने भी तमाम लोग इस देश में डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनके खिलाफ इंसल्ट की और सरासर हेट स्पीच करके, इस्लामोफोबिया करके नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया। असूलन जो होना चाहिए था, जो इस देश में होता रहता था, इंदिरा गांधी तक का चुनाव को साइडलाइन कर दिया गया था, हम उस देश की विरासत को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। आज वो इलेक्शन कमीशन है जो एक प्राइवेट एंटिटी की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह बोलता है कि यू डिक्लाइन टू कमेंट, यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाउ कैन यू से वी डिक्लाइन टू कमेंट। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि आप कमेंट देंगे नहीं करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप इस देश के इलेक्शन के कस्टोडियन है, और आप कैसे इतने ब्लेटेंट वायलेशन का, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हुआ है, इतने ब्लेटेंट इस्लामोफोबिया का, कम्युनलिज्म पे कमेंट नहीं करेंगे। अगर इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिंदा होता तो हम देखते कैसे जो इलेक्शन कमीशन है इस पे नरेंद्र मोदी पे एक्शन लेते, जो तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जैसे अरुण गोविल जो राम की फोटो लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैदराबाद में मस्जिद में तीर कमान चलाने की एक्टिंग की जाती है, तमाम ऐसे लोग जो मॉडर्न कोड ऑफ वायलेशन मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन का वायलेशन कर रहे हैं, उनकी आप नॉमिनेशन कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, ये अपनी जमीर या अपनी आत्मा बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। और तभी आज हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, आज प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं ईसीआई की मौत का, कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मर चुका है। तो मैं अब आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे फूल है, ये फूल उठा के जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी आत्मा की शांति के लिए और ये कोशिश करने के लिए
आप थोड़ा कूल अर्पण करें, इसके बाद हम 2 मिनट का मौन करेंगे, उसके बाद अपने पब्लिक मीटिंग को पढ़ाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक सभा में जो भाषण दिया, जिसमें ये कहा कि कांग्रेस सर्वेक्षण कराएगी, पता लगाएगी किसके पास कितनी दौलत है और वो मुसलमानों में बांटेगी जिनके 15 बच्चे होते हैं, जो घुस बैठी हैं वगैरह वगैरह बातें कही। ये मुकम्मल जहर है, झूठ तो है ही, मुकम्मल जहर है। अगर इक्का दुक्का कोई आदमी बोलता तो चलो भाई बरजुबानी कर रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री है मुल्क का, जिसके पास सारा मीडिया है, यानी करोड़ों आवाजें हैं, जिसके पास पूरा प्रशासन और पुलिस है, जो रौंद के रखता है, दबा के बैठा हुआ है पूरी जनता को, आजादी को जिसने कुंठित कर रखा है, संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है, संकीर्ण लोगों को बिठा के उनको टेरर का अड्डा बना रखा है, और दूसरा पे इल्जाम लगाते हैं कि ये नक्सली ग्रोह। अरे भाई, सच कहने वाले को आप पहचानना कब सीखोगे? मैं चाहता हूं कि इस तरीके की दुर्भावना, ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है, ये गांधी पर हमला है। गांधी तो मर गए 1948 में, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है उन लोगों में जो सच्चाई की और ईमान की जिंदगी जीते हैं, उन पर हमला है। ये देश एक है, हिंदू मुसलमान जुदा नहीं है, सिर्फ धर्म या के लेबल अलग है, इंसान तो एक ही है। हमें इस एकता को मजबूत करना है, और इस प्रकार की बुरी गाली, झूठ और जहर को हमें रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई यह है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी, वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी, उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।